अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार बेरोजगार एएनएम के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियुक्ति दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि उन्होंने 2018 में एएनएम प्रशिक्षण के दौरान एमएनआईटी में अप्लाई किया था और मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम आ गया था, लेकिन बिना कारण बताए ही उन्हें भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया गया। मेरा नाम सुनीता यादव है। हमने अलवर से 2018 में एएनएम ट्रेनिंग पूरी की थी। जब उस टाइम हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, उसके बाद में फोरम निकले थे एएनएम के, तब हमारे फोरम अप्लाई करवा लिए गए थे। एमएनआईटी में पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी, फिर उसके बाद हमको मेरिट लिस्ट में निकाल दिया गया था और वहाँ पर पद खाली भी रह गए थे, फिर भी हमको उनमें से बाहर निकाल दिया गया था। तो हम उन पदों में शामिल होना चाहते हैं और हमको उनमें शामिल करके हमारी मांग पूरी की जाए, इसलिए आज हमने अलवर जिला कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया है। लगभग कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है और क्या? सारी मतलब टोटल जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, कई जिलों के लड़के हैं, उनको सबको ही बाहर निकाल दिया। लगभग कितनी लड़कियां होंगी? लगभग होंगी 250-300 लगभग 250-300 तो होंगी।